तो सामने से बस गोली आई है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, हमारे पूरे घर के ऊपर पूरी गोलीबारी। अगर 10 मिनट और पुलिस नहीं आए तो दंगाई जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ तक पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाती, सारी जल जाती। हाँ, अगर 10 मिनट पुलिस और ना। के जीवन में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, वो नज़ारा देखा। कल के बाद से थोड़ा डर है। हाँ देखो, दंगाई की देखो कोई शक्ल सूरत तो है नहीं, भाई कौन है, कहाँ के, बाहर के, क्या है, लेकिन फिर भी डर का माहौल है। हम अपने घर में है। हाँ। क्योंकि हमारे ऊपर के गोली चढ़ रही। हाँ। हम बाहर कैसे निकलते? हाँ। यानी हम तो सब अंदर है। अच्छा। बस जब पुलिस आ गई है, कुछ शांत हो, जब जाके बाहर हम निकला है। ये जो बता रहे हैं कि गोली चल रही थी, पुलिस आ गई, शांत हो गया। हम हरियाणा के नूह में हैं, जहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई है, और जो नल्लड़ महादेव का मंदिर है उससे महज 100-200 मीटर की दूरी पे इन लोगों का घर है। तो ये हिंसा के बड़े ही करीबी प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो बाबा, आप जो है कहाँ थे जब ये सब शुरू हुआ? हम तो यहीं से अपने। अच्छा। यहाँ घर पे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रतनलाल है। रतनलाल। तो क्या हुआ था, थोड़ा शुरू से बताएंगे, शोभा यात्रा क्या हुई, क्या हुआ कैसे? सुबह जैसे कलश यात्रा आई ही, बड़े शांति आई और चढ़ गई। उसके बाद में 10-20 गाड़ी और आई शहर की। फिर उसके बाद में वह जो बजरंग दल वाला वह आए, वो भी शांतिपूर्ण आए, लेकिन आ कहने जैसे वे उल्टे होने लगे तो सुनाई में आ रहा है कि नौ में पहले दंगा हुआ है, वो वहाँ से वापस मंदिर को आ गए हैं। मंदिर पर जब वो आ गए फिर हिंसा जो है बढ़ती रही है, आगे आती रही। फिर यहाँ आ गया जब हमने अपने बच्चे से अंदर कर दिया, हम खुद अंदर हो गए, क्योंकि ऊपर के गोली चल रही। क्या कर? गोली चल रही थी। हाँ। कहाँ से? इधर चारी गोली। हाँ। ये इधर से गोली चल रही, बाजरान खेत में पहले पड़े जन कौन कौन है, कहाँ के? ये तो सारे जो है, आप यहाँ पे कच्चे मकान हैं और थोड़े थोड़े पक्के मकान, क्या करते हैं आप लोग? हमारा जी मजदूरी का धंधा है। अच्छा। मजदूरी करते हैं। हाँ। एक दो भाई जो जमींदार भी करते हैं। हाँ। तो गाड़ी वाड़ी तो आपके घर के सामने ही चली या थोड़ा आगे? ये यहाँ से वहाँ तक जड़ी है। हाँ। ये जो ये कमरा न बन रहा है। हाँ। इसका यहाँ इससे पीछे भी जड़ी है। तो शाम में मंदिर में बड़ी भीड़ हो गई थी, लोग इकट्ठा थे? हाँ, इकट्ठे लोग। फिर मिलिट्री जब आ गई, जब मिलिट्री ने पब्लिक यहाँ से निकाल दिया, मिलिट्री जो अर्धसैनिक बल आ गया। हाँ। और गोली कितने देर तक चल रही थी? जब तक पुलिस आई है, जब गोली चल रही थी, पहले इधर से चली है, फिर ऐसे पहाड़ से चली ऊपर से। कौन लोग थे चलाने वाले? देखो ये हम नहीं कह सकते कौन थे कौन नहीं थे। आप देख नहीं पाए अंदर से। हाँ। हमें तो अपना ही खतरा हुए पड़े, जो गोली ऊपर की चल रही है। हाँ। तो अपना खतरा था, तो हम तो थे अंदर, हमें कुछ पता है कौन तो वह है कौन ना है। आप लोग कहाँ थे बच्चे? ये आजो, तो आजो। अंदर कर रखे। इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? शिवम। आ जाओ शिवम, बैठ जाओ। कितने बजे की घटना? बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था? 4 से ऊपर पर टाइम पीछे घटना। हाँ। यही गोली वोली चल रही है। हाँ। तो पता नहीं, समझ में नहीं आया क्यों चल रही गोली, कैसे चल रही है, क्या हुआ? ये तो सब अंदर कर रखे हमने। हाँ। हमें तो है बाहर। हाँ। तो इन्हें क्या पता है? देखा था जो जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ। अब तक के जीवन में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, वो नज़ारा देखा। अच्छा, क्या क्या हुआ था? ऐसा है, कल जो बजरंग दल वाले आए थे। हाँ। जब वो सब कुछ ठीक ठाक था जब तक। हाँ। वो यहाँ से वापस जा रहे थे। हाँ। तो पहले कोई छोटी मोटी झड़प नूह के अंदर हुई होगी। हाँ। फिर कुछ वापस आ गए, कुछ वहीं रह गए। हाँ। फिर यहाँ पे हुआ है। हाँ। इसी चौक पे यहाँ हुआ है। किस तरह झड़प हुई है, उनकी क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई। हाँ। थी ये पता नहीं। फिर हमें तो सब पूरा परिवार यहीं था। हाँ। तो सामने से बस गोली आई है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, हमारे पूरे घर के ऊपर पूरी गोलीबारी हुई। अच्छा जी।
गोली कहाँ चल, किधर निशाना था? इधर से आई थी, इधर से। वो मतलब जैसे बजरंग दल वाले यहीं तो थे सारे, कुछ यहाँ आ गए, कुछ घर में दुबके, कोई कहीं दुबके, कोई कहीं दुबके। आप लोग के घर में भी छुपने आए थे? हाँ, वो यहीं पे थे सारे, कुछ मंदिर पे थे, कुछ यहाँ थे, गाड़ी घोड़ा सब कुछ यहीं खड़ा था उनका। वो तो जाने के लिए इंतजार कर रहे थे किसी तरह रास्ता साफ हो तो हम निकल जाएं यहाँ से। लेकिन आगे से दंगाइयों जो भी हैं उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि वो ना निकल पाए, घेर लिया था जी। फिर चारों तरफ से गोलियां, इधर से भी कोई कहीं कोई इधर उधर, एकदम दहशत रहा होगा बच्चों को लेकर के चिंता। पूरी रात नहीं सोए बच्चे, पूरी रात भी नहीं सोए थे बच्चे। गाड़ियाँ तो यहाँ थोड़े आगे में ही जलाई, वो तो यहीं से शुरुआत हुई थी, वहीं यहाँ तक जला रखी, वहाँ से परे से जलती जलती यहाँ तक आई थी वो। प्रशासन काफ़ी लेट आया था। कितने देर में आया प्रशासन? मेरे ख्याल घंटा भर हो गया होगा। घंटा तो खैर ना हो, लेकिन फिर भी है कि अगर 10 मिनट और पुलिस ना आए, है? अगर 10 मिनट पुलिस और नहीं आए ना, गया जी थोड़ा सा, तो ये कह रहे थे अगर 10 मिनट और पुलिस नहीं आए तो दंगाई जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ तक पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाती। अच्छा। सारी जल जाती हाँ, अगर 10 मिनट पुलिस और ना आए तो। वो तो जो पुलिस आ गई है उसके बाद दंगाई जो भी है उनको खदेड़ा है, जब ये जाके कुछ शांति हुई है। अच्छा। हाँ, उसके बाद बहुत भयावह स्थिति थी। भयावह, हम ये कह रहा हूँ हमारे जो लेडीज हैं ऐसे घबरा गए, रोने लगे, बच्चे रोने लगे, सब घरों के अंदर दबक गए। हाँ। मतलब बहुत खतरनाक सीन था। कल कुल मिला के बात ये है, बहुत डरावना। अब देखो हमारे पेड़ खड़ा, इसमें के तीन गोलियाँ इसमें के गई हैं, इस पेड़ में के ऐसे इधर से गोली आई सीधी इसमें के पार निकल गई। हाँ। एक गोली वहाँ से निकली, मतलब बहुत गोली चली है कल, इतनी गोली चली है हमने अब तक की जिंदगी में देखा ना है। हाँ। इतनी गोलियाँ चली कल। किसकी तरफ से चल रही थी वो जो दंगाई थे? उनकी तरफ से चल रहे थे, जो बजरंग दल वाले हैं वो तो निहत्थे खड़े थे। हाँ। उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था भाई, जो जो को तलवार है या ऐसा कुछ है वो तो चलो उनके पास था एक दो। हाँ। लेकिन बंदूक वगैरह नहीं था उनके पास। हाँ। क्योंकि अगर उनपे होता तो वो भी चलाते। हाँ। उन्हें तो वो तो घबरा गए, वो तो भाग गए, मंदिर की तरफ भाग लिए। तो आप लोग के घर में भी कुछ लोग छुपने आए? छुपने की कोशिश करी लेकिन जब सामने से गोलियाँ चल रही हैं। अच्छा, इधर ही से चल रही थी? इधर से चल रही थी वो। हाँ। तो फिर जब हम भाग गए, हमने घबरा गए, हम जैसे भागे बेट आप लोगों ने बंद, हाँ, सब बंद कर दिए। जब हम भागे तो वो भी बेचारे भाग लिए। कितने परिवार रहते हैं? हम, हमारे परिवार है 8-10 घर हैं बस, हमारे हिंदुओं के, बाकी सब मोमडन इलाका है टोटली। अच्छा। हाँ, मतलब आज तक नहीं हुआ ऐसा, हम हिंदू मुसलमान एक जैसे रहते हैं। हाँ। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई भाईचारा को बढ़िया। लेकिन कल जो नज़ारा देखा है इससे भाई हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सोचने मजबूर? ये एक भाई ये ऐसा दंगा फिर भी कभी हो सकता है ये, और कुछ नहीं है। और नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे जो बुजुर्ग हैं 70 साल हो गए लगभग यहाँ आए। हाँ। आज तक भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ। पहली बार देखा हमने ये। तो अब डर लग रहा है? डर सच्चा लग रहा है अभी तो। अब, अभी तो डर का माहौल है। देखो अब धीरे धीरे जैसे माहौल शांत होगा उसके बाद ही पता चलेगा भाई क्या रहता क्या नहीं रहता है। लेकिन अभी फिलहाल तो डर पूरा है। आपने आसपास के लोगों से बात? हाँ, नहीं अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। अभी तो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ किसी भी तरीके का, क्योंकि हमारे गांव के जितने भी मुसलमान हैं अपने मिलने वाले हैं, अपने घर पे कोई नहीं है। अब बात किससे करें? अभी किसी से कुछ नहीं बात हुई हमारी। क्यों नहीं है घर पे? अब नहीं पता बेचारे, वो हो सकता है इसलिए डर गए हों कि भाई बजरंग दल वालों पर हमला हुआ है, कभी हमारा नाम आ जाए। हाँ। सबको ये अपना अपना सबको डर होता है। अब हो सकता है बेचारे इसलिए सामने नहीं आ रहे हों, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते अभी। कैसा ऐसा तनाव पहले कभी? अभी तक भी नहीं। हमारे इतने साल से हमारे जो दादाजी हैं वो 100 साल के लगभग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे उनका है 70 साल के लगभग हो चुके हैं। ये तनावपूर्ण माहौल आज तक भी नहीं हुआ, आज तक जैसा कल हुआ है अब तक नहीं हुआ ऐसा। मोनुमानी सर का नाम सुना आपने? खूब सुना मोनुमानी सर का नाम, और उसकी वीडियो आ रही थी फेसबुक पे, और जहाँ तक हमें दिख रहा है उसी की मेहरबानी है सारी। अच्छा। क्योंकि ये लोग जो हैं मोनुमानी सर के नाम से मतलब नफरत कर रहे हैं। अब वो जो नासिर जुनेद का जो कांड हुआ था उसमें नाम है उसका, अब ये उसमें है इन्वॉल्व है नहीं है भाई इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन पब्लिक के दिमाग में तो है कि भाई ये इन्वॉल्व है। FIR में नाम है? FIR में नाम है तो आरोपी है, आरोपी है, मोस्ट वांटेड है ये। तो उसकी वजह से ये ज़्यादा मतलब पब्लिक का जो दिमाग है वो ज़्यादा वैसा हो गया गर्म, और जब ही ये दंगा। आप लोग ये मानते हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट वो वीडियो था? हाँ जी, बिल्कुल वही था, जहाँ तक हमारा दिल कह रहा वही था। क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं आता ना तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तो 3 साल से अपनी ये जो शोभा यात्रा है 3 साल से निकल रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। पहले भी शोभा यात्रा? हाँ, 3 साल से हो गए, 3 साल हो गए। हाँ। खूब शोभा यात्रा निकली है। अब की बार तो फिर भी पब्लिक बहुत कम थी। हाँ। पिछले साल तो इसे डबल पब्लिक थी। अच्छा। खूब शांति से शोभा यात्रा निकली, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ। खूब बढ़िया तरह। लेकिन अब का जो मेन पॉइंट था यही था, ना तो वो वीडियो आती और ना यहाँ पब्लिक भड़कती। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? पुलिस को कार्रवाई करनी थी लेकिन वो तो नहीं कर पाई उस टाइम तो, लेकिन बाद में कार्रवाई करी। लेकिन करने में करना क्या है, अब देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी हुई है गाड़ी जली भी इतनी
गाड़ियाँ जली हैं, पता ना 20 हैं 25 हैं, कितनी गाड़ियाँ जली हैं। अब जिस टाइम आग लगी हम तो अपने घरों में, और जो दंगाई थी वो कहाँ से आए आप लोगों को? हमने वो तो सिर्फ ऐसा पीछे पीछे पुलिस आगे आगे दंगाई यहाँ तक देखे था हमने, जब यहाँ पीछे जो हमारे बाजरे के खेत है यहाँ तक देखे, तो उसके बाद गोली जब चलने लगी हम तो अपने घरों में दबक गए। उनमें से आप किसी को पहचान? भाई हमने, हम तो अपने घरों में दबक गए। एक बात बताओ, आपके सामने गोलियां चल रही है, आप पहचान करोगे, अपनी जान बचाओगे? नहीं, सच बात है, मतलब ऐसे कि अगर एकाध नजर पड़ गई, नहीं नहीं, फिर अगर कुछ निशान अगर निगाह भी पड़े तो सबने अपने चेहरों पर कपड़े बांध रखे थे। अच्छा, सब चेहरे, हाँ, चेहरे ढक रखे थे, तो उसमें पहचान में नहीं आया कि भाई कौन है कौन नहीं है। हाँ। और उस टाइम तो भाई सबको अपने अपने जान बचाने की पड़ रही थी, सच तो ये है। अब बताओ पहचान करें या अपनी जान बचाएं? अब पहचान करने के चक्कर में ऐसा ना हो कभी हमारी पहचान हो जाए। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह मेरा नाम। तो धर्म जी, ये आसपास का इलाका जो है यहाँ किस तरह की आबादी है, कितने? मुंडन ज़्यादा है। अच्छा, कितना रेशियो है? देखो ये तो ज़्यादा निचोड़ तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी यह लगा लो 80-20 का लगभग तो है। 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू है। लेकिन उस आज तक इस तरह की घटना कभी नहीं, आज तक भी नहीं हुआ। मेवात के अंदर ऐसा झगड़ा आज तक भी नहीं हुआ, देख पहली बार हुआ। अपने गांव में देखना, पूरे गांव में हम ये थे, हमारा हिंद परिवार है। क्या, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आके बताइए। हमें तो आज तक ऐसी कोई समस्या ना हुई। क्या कह रहे हैं? ऐसा है, मेरी बात को छोड़ो, हम तो अपने गांव की कह सकते हैं कि हमारे गांव में हमारे ही अलावा बाकी टोटल मोमडन भाई हैं। हाँ। लेकिन हमें तो आज तक ऐसी कोई समस्या ना हुई जो कल देखने को मिली है। हाँ। अब इसका पीछे से क्या प्लानिंग थी क्या नहीं थी पता नहीं सर। नहीं, हम हमारा परिवार जो हमारे गांव में यही है, हिंदू परिवार। लेकिन सबका आना जाना, सबका आना जाना, सबका खूब बढ़िया भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं, सबका खूब बढ़िया आना जाना। कल के बाद से थोड़ा डर है? हाँ, देखो दंगाई की देखो कोई शक्ल सूरत तो है नहीं, भाई कौन है कहाँ के बाहर के क्या है, लेकिन फिर भी डर का माहौल है। उधर भी डर का माहौल होगा जो आपके? क्या पता सर, दूसरे का क्या कह सकते हैं, दूसरे का नहीं पता। आप लोग बच्चे सब यहीं पे थे? हाँ हाँ, हम पूरा परिवार कल हम यहीं थे। कल सोमवार को तो कितने बजे तक सब सिर्फ शांत हुआ, कितने बजे है? 7 बजे जब यहाँ से बजरंग दल वाले थे जब रेस्क्यू कर दिए उनको, उसके बाद माहौल शांत हुआ था। 7 बजे तक तो दल वाले थे यहाँ पे, जब तक तो डर का माहौल ही था, क्योंकि वो जब तक बजरंग दल वाले थे यहाँ पे जब तक तो डर का माहौल ही था, क्योंकि इधर उधर जो कि फायरिंग थोड़ी पहले हुई भी थी तो एकदम शांत नहीं हुई थी। तो उसमें ये है कि जब तक वो यहाँ पे हैं, जब तक तो समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, जब वो यहाँ से रेस्क्यू कर दिए गए हैं तब कुछ दिल में थोड़ा ये आया कि भाई अब ये भी सुरक्षित हैं तो शायद हमको भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ऐसा बता रहे थे कि मंदिर में लोग फंसे थे और पहाड़ियों से गोली आ रही थी, ये ठीक बात है? उस टाइम मंदिर में लोग फंसे हुए थे और पहाड़ों में, तब ये तो पता नहीं सर कि शायद ऊपर से गोली आई है नीचे से आई है, लेकिन गोलियाँ चली जरूरी थी, आवाज़ आ रही थी। अब ये पक्का कन्फर्म नहीं है, कि कितने देर गोलियां चली हैं? यहाँ तो काफ़ी देर चली हैं, कम से कम आधा पौना घंटा गोलियां चली हैं, काफ़ी देर तक गोलियां चली हैं। और यहाँ पे जी मतलब ऐसा कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं हुआ किस तरह? नहीं सर, बिल्कुल अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, ना ही हमारे साथ ऐसा कभी कोई घटना हुआ था और ना ही हमें ऐसा कोई उम्मीद थी कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम ठीक है, हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन माहौल तो देखा है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा डर है। हमारे साथ नहीं हुआ, जिनके साथ हुआ उनको देखते हुए हमारे बच्चे भी, ये मेरा लड़का है, इसको कल से उस टाइम से बुखार है, कल उसी टाइम से इसको बुखार है, थोड़ा बहका लगा, डर गया है। क्या कह रहे हैं? आपस में बात कर रहे थे, इस कुछ नहीं। अच्छा। पुलिस का देर से आना भी थोड़ा देर वो मेन कारण है, पुलिस का देर से आना भी मेन कारण है झगड़ा बढ़ने के। अगर पुलिस टाइम पे आ जाती यहाँ पे तो झगड़ा नहीं बढ़ता, अगर पुलिस पहले आ जाए तो। तो जब यहाँ से यात्रा निकली तब पुलिस फोर्स थी उनके साथ? नहीं, वो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पुलिस तो थी नहीं यहाँ पे। नहीं, जब यात्रा निकली है तो उसमें कोई पुलिस कहीं थी? नहीं, जब वो आए थे जब तो पुलिस वाले थे। कितनी संख्या में? 20-30-50 होंगे, बचा ज़्यादा था, बाकी उसके बाद नहीं थे। और जब यात्रा निकली उसके साथ वापिस जब जा रहे, जब नहीं थे, जब नहीं देखा हमने सर। वो पहले भाग लिया, उसके पत्र क्या भाग लिए? और जो गाड़ियाँ जली उसमें तो पुलिस की भी गाड़ियाँ बहुत सारी जली हैं, तो जो गाड़ियाँ जली थी आप लोगों ने देखी थी? यहाँ तो पहले गाड़ियों में पहले पथरा हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है गाड़ियों के ऊपर, बाद में फिर आग लगा दी उन्होंने।
आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी जब ये सब लोग फंसे थे। इनका पूरा परिवार घरों में बंद था, बहुत मजबूत मकान नहीं है, कच्चे मकान हैं या फिर ईंट ईंट की जो दीवारें हैं वो गारे की मिट्टी से बनाई हुई है, तो उसमें ये अपनी जान बचा करके घर में छिपे थे। इनका बड़ा परिवार है, महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग सब अपनी जान बचाने के लिए घर में थे। और ये इनके जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी इनके मुताबिक गोली इधर से चलना शुरू हुई थी और उधर पहाड़ी तक जो है गोलियाँ चलती रहीं। तो ये स्थिति थी। आप समझिए कि हरियाणा नू का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी क्या स्थिति रही होगी, कानून व्यवस्था की बात करने वाली सरकार में क्या दशा रही होगी कि इस तरीके से दंगा भड़का कि उनके संभाले नहीं संभला। और जब तक वो आते तब तक गाड़ियां कई जलाई जा चुकी थी, बड़े पैमाने पे गोलियां चली हैं। शुक्र इस बात का मनाया जा सकता है कि लोगों के को उतनी हानि नहीं पहुंची, घायल हुए हैं, जान नहीं गई, ये एकमात्र राहत की बात हो सकती है। वरना जिस तरह की स्थिति कल थी, जो ये बता रहे हैं, इनकी आंखों में अभी भी वो इस तरीके से, जैसे जब मैं बात कर रहा था तो ऐसा लगता है कि सब इनके सामने से गुजर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसको सरकार को समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए और अपनी चूक अपनी गलती पे समीक्षा करनी चाहिए। उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने यात्रा की अनुमति दी थी और जिन्होंने यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास थी, और जो आसपास का इंटेल क्या कर रहा था, जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है सरकारों की, जो आपको क्या इंटेल नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है, क्या इस तरह की कोई खुफिया सूचना, चूंकि अगर ऐसा कुछ होना है, अगर कुछ ऐसा माहौल ट्रिग्ड है, अगर माहौल संवेदनशील है, तो उसको डील करने, उसको टैकल करने के अलग तरीके होते हैं। मोनू मानेसर का वीडियो आता है, उस वीडियो को नहीं रोका जाता है। सबसे बड़ा सवाल उसको अब तक पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, और अगर उसका वीडियो भी आ जाता है और लोग गुस्से में हैं तो इंटेल को इस बात की रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन इतने सब के बावजूद क्या किसी का गुस्सा इस बात का उसको अधिकार देता है कि वो गोली मारे, लोगों की जान के प्यासा हो जाए, वो लोगों पे गाड़ियां चला दे? ये किस तरह का, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा अधिकार आपको मिला हुआ है कि आप गाड़ियां जला दीजिए, आप जो है मारिए, ऐसे सामान्य लोगों की जान मुश्किल में डाल दीजिए जो घरों में फंसे रहते हैं, बाकी जो घंटों तक गोलियां चली, गाड़ियां जलाई गई, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये कोई इनकी गिरफ्तारी कब होगी? जो दंगाई थे, जो पत्थर चला रहे थे, जो गोली चला रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरा नाम अभिनव पांडे है, कैमरे के पीछे करमजीत हैं। आपको ये वीडियो और इन बुज़ुर्ग से, इस परिवार से आपकी आपको बातचीत, इनका दर्द, इनकी जो सिरहन है वो पता चली होगी। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी राय होगी हम उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे करम है। मैं बात दोहरा दिया, लेकिन शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।